show me now what you got. Today y'all calm down, get you hot. Cause when I'm in the game, I won't let you slip down. Come on, turn your life down, baby, you can stop now. Go be happy now. Super life, it's a super, super, super life. I'm living on a super, super, super life. How cool the Babylon, yo. How cool the Babylon, yo. How cool my Babylon. One, listen to ओके सर। प्रिया कम कम। विजय क्या हुआ? प्रिया फ्लैट लॉक है। जयमोहन के फ्लैट के अगल बगल वालों से पूछताछ की, वो कहां गया है किसी को कुछ पता नहीं। हाँ प्लीज कैरी ओके सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जयमोहन की शादी है, ये बात कोई नहीं जानता। हेलो ओह माय गॉड अंकल। विजय व्हाट हैपेंड? उस फ्लैट में कोई भी नहीं है। एक्सक्यूज अस प्लीज, क्या हुआ प्रिया? जय फ्लैट में नहीं है, मैंने विजय को उसे देखने के लिए भेजा था। यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों को भी नहीं पता कि आज उसकी शादी होने वाली है, और वहाँ के वॉचमैन ने बताया कि वो सुबह सुबह ही कहीं निकल गया। तुमने उसे कॉल किया था क्या? या स्विच्ड ऑफ आ रहा है या फिर नॉट रीचेबल आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आई होप कहीं कोई एक्सीडेंट
ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई हमें इन्फॉर्म करता ना। तुम एक और बार ट्राई करके देखो। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो इस वक्त स्विच्ड ऑफ है। अंजलि, ऐसा भी हो सकता है ना कि जय ने तुम्हें धोखा दिया हो? नो, मेरा जय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Then where the hell is he? Sir. Good morning. Your coffee. I didn't order anything. Room number 225. Listen, I didn't order anything. Samjha? I'm sorry, sir. Good morning, sir. Your coffee. Sir, we got him. Anjali, क्या तुम्हें अब भी भरोसा है कि वो आएगा? अगर मेरे चेहरे पे जरा भी खरोंच आई होती तो तुझे बोरी में बंद करके इस कमोड में फ्लश कर देता। Well done, Jay. Good job. इतने कम समय में। Thank you, sir. Where is he? बाथरूम में आराम कर रहा है सर। विक्टर राणा, वेलकम बैक टू इंडिया। कृष्णा जी, इस रूम की सारी टूटी फूटी चीजों को सील कर दो, ओके? सर, योर वेडिंग ड्रेस। सर, मैं थोड़ा। अरे जल्दी जाकर तैयार हो वरना मुहूर्त निकल जाएगा।
तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इसलिए तुम्हें महारानी की तरह पाला। तुमने जो मांगा वो दिया, लेकिन इस शादी ने मेरा मजाक बना दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। डैडी वो मुझे तो तुम्हारी चॉइस शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने इसे मंजूरी दी। यू सी, मेरे पास बहुत सी चॉइसेस थी। मुझे एक ऐसा दामाद चाहिए था जो मेरी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स को संभाल सके, एक डॉक्टर हो, नहीं तो कम से कम एक बिजनेसमैन हो। बट मेरी बेटी की चॉइस थी जयमोहन, जो पहले ही शादीशुदा है, एक डिवोर्सी। उसका कोई रिश्तेदार नहीं, खानदान का आता पता नहीं। काम क्या करता है पूछा तो खुद को एक एक्सपोर्ट कंपनी का एग्जीक्यूटिव बताया, जिसका कोई एड्रेस नहीं। मुझे तभी इस बात का अंदाजा हो गया था दैट यू मेड अ मिस्टेक, अ बिग मिस्टेक। हाँ भाई, अ वेरी बिग मिस्टेक। और पहली बार नहीं, तुमने ये गलती रिपीट की है। तुम्हारी पहली बीवी जब 6 महीने के बाद तुम्हें डिवोर्स देकर छोड़ गई, तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन। मैं बहुत खुश था वाकई। एक बात बताऊ जय, तुम्हें ये शादी बिल्कुल फिट नहीं हो रही है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम मैरिज मटेरियल हो ही नहीं भाई। देखो जय, तुम मेरे सबसे बेहतर एजेंट हो, वही रहो, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर पूछा जाएगा कि हस्बैंड क्या करता है तो फिर क्या बोलोगे? झूठ बोलोगे ना? बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यही लिखा हुआ है तुम्हारी किस्मत में। यस डैड, मैं सोच समझ कर ये फैसला कर रही हूँ। आपको जो सोचना है सोचिए, अच्छी जॉब वाला, बड़े एम्बिशंस वाला, ऐसा लड़का तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं था डैडी। मैं अपनी पसंद के लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। लेकिन वो है कहाँ? डैड, जय जरूर आएगा, मुझे उस पर भरोसा है। तुम्हारी कार की चाबी, अगर अभी निकल जाओगे तो अपनी शादी में सही समय पर पहुंच सकते हो। ओके, थैंक यू सर, सी यू गाइस। तुम कितना भी भरोसा दिलाओ, मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। यहां जितने लोग आए हैं उनके सवालों का मैं क्या जवाब दूं, ये बात तुम मुझे खुद ही क्यों नहीं बता देती? तुम्हारे डैडी की इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। मैं खुद ही सबको बोल देता हूँ कि मेरी बेटी का ढूंढा हुआ दूल्हा एन मौके पे भाग गया, सो मैरिज कैंसिल। डैड, सॉरी डैड, मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई, मैं खुद ही सबसे माफी मांगती हूँ। शादी कहाँ हो रही है? उस तरफ हो रही है सर। ओके, थैंक यू। मैं जय, हाँ हे हाय, सॉरी अब मुझे आने में थोड़ी देर होगी। एक्चुअली शट अप, कम विद मी, कम हियर, वेयर द हेल वर यू? सॉरी, वो ये व्हाट, वो बहुत बड़ी कहानी है। बताओ जो भी हुआ। अब आज हमारी शादी है। अब मैं बहुत एक्साइटेड था, एक सेकंड भी मैंने पलक नहीं झपकाई। ओह रियली? हाँ रियली। अच्छा, मैंने इतनी बार कॉल किया, एक बार भी अटेंड नहीं किया, और कह रहे हो कि आंखें बंद नहीं की? Really? Yes. अच्छा, मैं बताता हूँ। हाय अंकल, बात ये थी कि मैंने अपना फोन साइलेंट शट करना था। Yes. And don't tell lies on your wedding day. Yes. तुम्हें डैड, तुझे ऐसा ही आदमी चाहिए क्या? एक बार फिर से सोच ले, कहीं पछताना ना पड़े। डैड, I don't believe a word he said. But I really love him, Dad. Oh, really? It's true. Okay. सच में हुआ क्या था जानती हो? What? कल रात को गहरी नींद में मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में हमारी पहली मुलाकात, तुम्हें याद है? तैयार है?
गुड मॉर्निंग। ओ जे, जब उठे तो मुझे उठा देना चाहिए था ना। अगर तुम्हें उठा देता तो अपनी सोती हुई सुंदर पत्नी का चेहरा कैसे देख पाता मैं? जिस तरह से तुम्हारी ड्रेस बेतरतीब पड़ी हुई थी उसका मजा कैसे ले पाता मैं? तुम ऐसे लग रही थी। अरे ये पति को मार रही है, कॉफी पियो लो। थैंक यू। ओहो, मुझे रोज जल्दी उठना चाहिए। अपने जय को कॉफी देनी चाहिए, उसका ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए और फिर उसके कपड़े आयन करके भी देने चाहिए। ये सब मैं खुद कर लूंगा। मैं हेल्प करती हूँ। अरे अभी अभी हमारी शादी हुई है, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। सही कह रहा हूँ। कम ऑन डार्लिंग। थैंक यू। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। सर, ही इज कमिंग। क्यों, कोई बहुत बड़ी जीत हासिल करके लौटे हो इसीलिए हम ताली बजा रहे हैं, यही सोच रहे हो ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक बार जो गलती तुमने की थी उसे फिर से दोहराया है, इसी बात पर तालियां बजा रहे हैं। गलती? What mistake, वो, तुमने दोबारा शादी जो कर ली। कम कम कम। तुम नहीं सुधरोगे। सर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आप गलत कह रहे हैं। हाँ भाई, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। तो फिर सही काम क्या है मेरा? टेररिस्ट का पता लगाना, उन लोगों का पीछा करना, फिर उन सबको ढूंढ निकालना और अपने रिवॉल्वर से इनको गोली मार देना और शमशान घाट पहुंचा देना, यही काम है ना? और पब्लिक की नजर में तुम क्या कर रहे हो? इस डेक्कन एक्सपोर्ट में एक बहुत ही बोरिंग सी जॉब कर रहे हो। जय, मैरिज का बैगेज जो है ना, उसका बोझ तुम नहीं उठा पाओगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं। हाँ? हनीमून के लिए छुट्टी दूंगा कि नहीं मत पूछना। नहीं सर, लेकिन एक बात बताइए, आपकी शादी को कितने साल हो गए सर? 31 साल हो गए। लेकिन अचानक तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अभी तक अपनी पत्नी के साथ वो... देखो मार खाओगे नहीं सर, वो बात नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा था कि आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। हाँ भाई, करता हूँ। 31 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। स्टिल I love my wife. drink, Jay? No, thanks. 31 साल बाद भी आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। सर, ये बात कभी आपने अपनी पत्नी को बताई या नहीं बताई? What? आपका काम है टेररिस्ट को पकड़ना, उन्हें ढूंढ कर निकालना और उन्हें गोली मारना, ये बात आपने अपनी पत्नी को बताई या नहीं बताई? कैसे बता सकता हूँ जय?
शादी के वक्त मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी, रॉ की स्पेशल यूनिट में। इस काम के बारे में उसे नहीं बता सकता था, बताना भी नहीं चाहिए। देखो जय, मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या जानती है? यही कि मैं एक्सपोर्ट कंपनी में एक सीनियर मैनेजर हूँ, एक बड़ा अधिकारी, और मेरी बीवी अपने जान पहचान वालों को यही बताती है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अपने इस काम में न जाने कितने लोग मरते हैं। 31 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अब तक मेरी बीवी को यह सब नहीं मालूम। आपने अपनी बीवी को सच्चाई नहीं बताई, इस बात का आपको अफसोस है? इसी बात का आपको दर्द हो रहा है ना? हाँ जय, ये कानून है कि हम अपनी जिंदगी के आखिर तक ये सब किसी को नहीं बता सकते, इसे तोड़ भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था ना, क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि उसे चाहिए थे पैसे, लाइफस्टाइल, करियर, लुक्स, जो तुम उसे नहीं दे सकते थे। बात ये सर, उसके लिए पैसा, लाइफस्टाइल, करियर, यही सब मायने रखता था। ए रमिया, प्लीज जयमोहन, मुझे मत रोको प्लीज। अपनी लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे बहुत कुछ चाहिए, आप वो दे सकते हैं? मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? जब से शादी हुई, यू आर जस्ट द सेम, आप में कोई बदलाव नहीं आया है। आपकी एक्सपोर्ट कंपनी ही आपकी फर्स्ट वाइफ है, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है, तो फिर हमारा साथ रहने का क्या फायदा? जयमोहन, आज मैं आपकी जिंदगी से अलग हो रही हूँ, और इसी वजह से आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। बाय एंड टेक केयर। हम दोनों 6 महीने तक एक साथ रहे, और उसके बाद वो मुझे छोड़कर कनाडा में सेटल हो गई। लेकिन रम्या की तरह नहीं है अंजलि। अंजलि इज अ स्वीट गर्ल एंड शी इज मैडली इन लव विद यू। लेकिन तुम्हारी जो अच्छी किस्मत है ना, और तुम्हारी बुरी किस्मत, दोनों तुम्हें एक साथ ही मिल जाएंगी तुम्हारी सेकंड वाइफ की वजह से। सर प्लीज लेट मी कम टू द मैटर। यू मीन राणा? यस। कम इंडिया में जितने टेरर अटैक्स हुए हैं उनके प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। उन्हीं प्राइम सस्पेक्ट्स में से एक इस समय बेंगलुरु सिटी में मौजूद है। इट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। ऐसे समय में जबकि कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, इस्लामिक पीस कॉन्फ्रेंस, इंडिया इंग्लैंड क्रिकेट मैच, राणा ने कुछ तो प्लान किया होगा। तो फिर सर राणा ने कुछ? नो नथिंग, राणा ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। यस सर। शादी मुबारक हो सर। नहीं 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 नहीं, वो मलयालम में क्या कहते हैं, कल्याण माशमसग, राइट? वैसे मैं 9 भाषाएं जानता हूँ। मुझे नहीं लगता आपको इतनी भाषाएं आती होंगी, क्योंकि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको भाषाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं। आहा, इतना सीरियस पुलिस ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा। क्या बिगाड़ लेगा रे तू मेरा? ए, विक्टर राणा यू बेगा, तू तमिल में चिल्ला या फिर तू संस्कृत में गला फाड़, तुझे लेने यहां पर कोई नहीं आएगा। तूने जितनी भी लैंग्वेजेस सीखी हैं वो तेरे कुछ काम नहीं आएंगी। इस वक्त तू यहां पर है ये किसी बाहर वाले को नहीं पता है। यहां तुझ में कीड़े पड़ जाएंगे, यहां तू सड़ सड़ के मर जाएगा, फिर भी तुझे बचाने कोई नहीं आ सकता। तेरी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी, कोई मिरेकल ही तुझे बचा सकता है। मिरेकल? मिरेकल? मैं भी बाहर जाने का प्लान बना रहा हूं, और वो पूरा ना हो सके इसके लिए एक मिरेकल का होना जरूरी है, समझा? हेलो। हाय जय। बिजी बिजी? डिनर में क्या खाना है ये पूछने के लिए फोन किया।
What? वो क्या है ना, मॉम की रेसिपी बुक मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, तो तुम्हें कौन सी स्पेशल डिश खानी है बता दो, बना दूंगी। hey, ये मत पूछो, मुझे कुछ भी चलेगा। तुम्हें बैगन पसंद है क्या जय? हाँ पसंद करता हूँ। बैगन की सब्जी? बैगन की सब्जी तो ठीक है, उसके साथ मैं सैलेड भी बना दूं क्या? एनीथिंग स्वीटी, तुम अपने हाथों से जो भी बनाओगी मुझे पसंद आएगा। जय प्लीज। ओके लिसन, मैं थोड़ा जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? बाद में। ये विक्टर राणा आज अगर यहाँ बैठा हुआ है ना, तो तुम्हारी वजह से। लेकिन इसका दर्द मुझे नहीं होने वाला है, तुम्हें होगा। थैंक यू। विच फ्लोर? कैन यू प्लीज प्रेस द थर्ड फ्लोर? थर्ड फ्लोर? या। ओके। थैंक यू। तुम यही रहती हो? हाँ। नई नई आई हो क्या? हाँ। कौन से फ्लैट में? 306। जय के फ्लैट में? हाँ जी, मैं जय की वाइफ हूँ। क्या, तुम जय की वाइफ हो? जय ने दूसरी शादी कर ली? उसने हमें बताया तक नहीं। सब कुछ बहुत ही अचानक हो गया आंटी, इसलिए। ओके, सी यू आंटी। सी यू। सर, ये सब हमने राणा के रूम से कलेक्ट किया है, अपार्ट फ्रॉम बैगिंग क्लॉथ्स। नो सेलफोन, लैपटॉप, नथिंग? नथिंग सर, ये लोग ज्यादातर सेलफोन लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन्हें इनके ऊपर वाले लोग बताते हैं कि इन्हें क्या करना है। अगर राणा ने नेट का इस्तेमाल किया होगा तो उस वक्त किया होगा जब वो होटल में था और उसने आसपास के किसी कैफे से नेट एक्सेस किया होगा, तो हमें उन लोगों से पूछताछ करनी होगी। Your cell phone has just issued a text from your wife. वाइफ ने भेजा है ना मैसेज, चेक कर लो प्लीज। मिसिंग यू, व्हाट टाइम विल यू बी होम? तो अब तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है कौन सा है जानते हो? यस सर, राणा। राणा नहीं, रानी, तुम्हारी अंजलि, योर मैरिज, मोस्ट डेंजरस अंडरकवर मिशन। हाय, हाउ वाज योर डे? स्वीटी, जब ये दरवाजा खोलोगी तभी अंदर आके मैं बता सकता हूँ ना। फॉर यू। हाउ स्वीट, कितने प्यारे हैं ये। कम, आई हैव अ सरप्राइज। शो मी। तुम्हारे फेवरेट काउच को मैंने गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया और जो डाइनिंग टेबल था ना उसे वहाँ रख दिया और उसके बाद टीवी को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। अच्छा। और फिर यहाँ जितनी भी पेंटिंग्स थी ना उन्हें फेंकने से अच्छा मैंने वॉचमैन को दे दिया। हाउ इज इट? वेरी गुड। अगर इसी तरह चलता रहा तो थोड़े दिन बाद मुझे यहाँ से भेज दोगी और वॉचमैन को अंदर ले आओगी। मैं ट्राई करती हूँ। मैं भी ट्राई करता हूँ। Prime Minister's visit to inaugurate the Global Leadership Summit. Around 750 police staff will be deployed for security cover, apart from 324 additional manpower from State Reserve Police Force and Rapid Action Force. इधर दो। अब तुम bachelor नहीं रहे। Oh, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अकेले रहते रहते ऐसी आदत हो गई है। जानते हो? मैंने भगवान जी से कहा जय को ज्यादा भूख लगनी चाहिए। अगर ये बात है तो फिर मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। क्या कर रहे हो? सुपर, फैंटास्टिक, अमेजिंग। अभी तुमने खाया भी नहीं, मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे मैं खाकर बताता हूँ। नो, यू आर सो मीन। जानते हो मैंने कितने प्यार से बनाया था, लेकिन तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इट्स ओके, आई एम सॉरी। कैसा है? अच्छा लगा क्या? बहुत ही अच्छा है, पर इससे और अच्छा बना सकती हो क्या? What? Hey, wait, wait, ये सब खाकर बताता हूँ ना।
हुआ जय? खाना पसंद नहीं आया क्या? अभी तक मेरी जिंदगी में ये सवाल किसी ने नहीं पूछा कि मुझे खाना पसंद आया या नहीं, कभी नहीं। एक बात बताऊं कि जिन हाथों ने इतना टेस्टी खाना बनाया उन हाथों को एक बार तो चूमना ही पड़ेगा। छोड़ो, हॉलीवुड स्टाइल लव नहीं चाहिए मुझे। तो ठीक है, बॉलीवुड स्टाइल से ट्राई करते हैं। हेलो। हाँ जय, क्या कर रहे हो? बस कुछ करने की तैयारी कर रहा हूँ सर। तुम्हें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, तुम निकलो अब। सर, राणा ने इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जिस साइबर कैफे का यूज किया था वो मिल गया है। सर तुम इमीडिएटली यहाँ पहुंच जाओ। सर ऑफिस में एक जरूरी काम आ गया, आंधी की तरह जाता हूँ तूफान की तरह आता हूँ। जय, ये एक्सपोर्ट कंपनी में रात को कैसे इमरजेंसी होने लगी? बात ये है कि कंपनी के एक जहाज को कौवे ने समुद्र में डुबो दिया है, जरा उसे निकाल कर आता हूँ। सर कम, ये लो देखो, ये उसके आईडी प्रूफ्स। ये सारे प्रूफ हमें यहीं पर मिले हैं। उसके लॉगिन डिटेल बताते हैं, वो यहाँ कई बार आ चुका है और वो राणा अक्सर उसी कंप्यूटर का यूज करता था लॉगिन करने के लिए। गौरतलब बात ये है कि उसने हमेशा एक ही टर्मिनल का इस्तेमाल क्यों किया? मतलब उसने कुछ भी सबूत नहीं छोड़ा होगा, सब कुछ मिटा दिया होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, सारे डिटेल्स को बाइकोट कर दिया गया है, ब्राउजर्स, कैश फाइल, बुकमार्क्स, हिस्ट्री, एवरीथिंग सर। राणा के ईमेल में अटैच करके जो फाइल सेंड की गई है मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ सर, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है सर, हम इसे सिर्फ डेटाबेस एक्सेस से ही देख सकते हैं सर। क्या सर बैठिए सर। नहीं बैठो बैठो। ओके सर। सर अभी हमने देखा कि उस छोटे बच्चे ने सुसु किया, एक विजिबल इनोसेंट वीडियो। अगर इसको गहराई से देखें तो पता चलेगा कि किस किस की हत्या होने वाली है, ये सारा राज राणा ने उसमें छुपा कर रखा होगा। कृष्णा सर, इसकी सारी की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए बाय टुमारो मॉर्निंग। Keep it shadow, कामदेव की रंभा। ज्यादा प्यार करने वाले को किस नाम से पुकारते हैं इन फाइलेटर्स? Lover. Hey, you are too good, baby. I know. Lover. जय, तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। ये एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? मेरा पति क्या काम करता है? ये सवाल तुमने पहले कभी नहीं पूछा, अचानक क्या सूझी तुम्हें? नहीं,
लेकिन वाइफ को तो कम से कम हस्बैंड के काम का पता होना चाहिए ना। इसका मतलब यह है कि तुम मुझ पर शक करती हो कि मैं कोई गलत काम करता हूँ। जय कम ऑन, अगर सच बताऊं तो काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जय बताओ ना प्लीज। अगर मेरे काम को सिंप्लीफाई करके बताऊं तो इंडिया में बहुत सारी फालतू चीजें हैं, तो हमारी कंपनी का काम यह है कि उन यूजलेस कमोडिटीज को यहाँ वहाँ से ढूंढ कर एक जगह इकट्ठा करना और फिर उन्हें खत्म कर देना। यूजलेस चीजें मतलब क्या? यू मीन डर्टी पॉलिटिशियंस? रात के खाने के बाद जब तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम आंखें खोलकर सोओगी, उस वक्त मैं धीरे से कान में आकर तुम्हें सारा काम समझा दूंगा। लेकिन तुम्हारी जो अच्छी किस्मत है और बुरी किस्मत दोनों तुम्हें एक साथ मिल जाएंगी तुम्हारी सेकंड वाइफ की वजह से। सर उस ईमेल को डीकोड करने के बाद मुझे जो मैसेज मिला, इट सीम्स टू बी मीनिंगलेस सर। आई थिंक आई नो व्हाट इट मींस। सर ये बहुत ही सिंपल है, चाइनीज कैलेंडर। आई विल रीअलाइन दिस सर एंड यू कैन रीड इट लाइक दिस, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट। इट इज नाउ time to send birthday candles to Aisha. Aisha. क्यों जय? Any idea? Sir, birthday candles. Birthday candles है तो ये हत्या कैसे हो सकती है? But Aisha, who the hell is she? Sir, वो शायद किसी terrorist group से होगी। या तो ये लोग हथियार खरीदने वाले हो सकते हैं। सॉरी सर। कॉल उठा लीजिए प्लीज। थैंक यू सर। हम यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि सर के घर में उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है। प्लीज गो अहेड सर। वाइस थैंक यू। हेलो। हाय जय। हाँ तुम ऑफिस से आते वक्त जुकिनी लेके आओगे क्या प्लीज? जुकिनी? क्या जुकिनी यार, जुकिनी। अच्छा अच्छा ओके सर। मीटिंग कंटिन्यू करें सर। व्हाट इज दिस सर प्लीज? वेल गाइस, अभी आयशा जो भी है और जहां कहीं भी है उसे ट्रेस आउट करना हमारी पहली प्रायोरिटी है। डिटेल में बात कर लेते हैं। आवर फर्स्ट मूव शुड बी सुकिनी। सुकिनी, any idea? सुकिनी, no sir, I've never met him. हेलो, अभी सुकिनी को छोड़ो और आयशा को ढूंढो। सॉरी सर, आयशा, आयशा, हाँ। Yes, of course, I know, आयशा, I had a huge crush on her. अब तक मैंने उसकी कई मूवीज देखी, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, शायद शादी करके चली गई। फालतू मजाक मत कर राणा, आयशा एक्टर नहीं है, उसे तू जानता है, बता नहीं तो। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझ गए? कृष्णा सर, उस होटल से बरामद हुई सारी चीजों को मैं एक बार फिर से देखना चाहता हूं। ओके सर। तुम ढूंढ क्या रहे हो इसमें? कुछ नहीं सर, लगता है ये काम की चीज है। ये एक नहीं दो लोग की पी हुई कॉफी का बिल है। राणा विद समबडी इन दिस कॉफी शॉप। ये आदमी ये देखने में सामने से इतना ग्लैमरस बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन इस आदमी के साथ एक लड़की आई थी।
ओह कसम से क्या कमाल की लड़की थी, उसे देखते ही आप अपनी आंख को अपने ही पास रख। सर आई थिंक ही नोज समथिंग। और दूसरी बात सर, हमारे सामने से जब वो गुजरी और पलटी तो मैं आपको क्या बताऊं कि उसका बैग से आदमी का चेहरा नहीं देख सकते। हाँ नहीं देख सकते बिल्कुल। कम साहब से बोलो इसके साथ तुमने भी देखा? हाँ हाँ साहब मैंने भी देखा है। हाँ उस आदमी को उस लड़की के साथ देखकर मुझे इतनी जलन हो रही थी कि क्या बताऊं। उसके जाने के बाद मैं उसे अब तक भूल नहीं पाया हूँ, वो तो मेरे दिल में बस गई। वो सब छोड़ दे, तू एक काम कर कि रूम में जा और अच्छे से नहा कर आ जा। कृष्णा सर देयर आर 3 सीसीटीवी कैमराज हियर। यस सर गेट द विजुअल्स एंड चेक इट। यस सर कॉफी पीने वाली और हॉट दिखने वाली राणा की वो फ्रेंड कौन है हम भी देखना चाहेंगे। ओके सर श्योर सर। कन्फर्म नहीं कह सकता सर। बाय सर। बाय। हेलो। हाँ जय जुकिनी नहीं चाहिए? हाँ अंजलि तुम्हारी जुकिनी खरीदने के लिए मैं दुकान में जा रहा हूँ, कुछ और चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए। कुकिंग कैंसिल? ऐ कुकिंग ही कैंसिल किए या फिर? ओहो जय तुम्हें याद है ना वो शिवा अंकल जो डैड के क्लोज फ्रेंड है? ओह डैड के क्लोज फ्रेंड है, फिर तो मामला बहुत ही बोरिंग होगा। जय मेरी बात सुनो, आज शाम को शिवा अंकल के घर में पार्टी है और हम दोनों को वहाँ जाना है। अरे रे रे मैं अभी नहीं आ सकता डार्लिंग, अगर शिवा अंकल के घर पार्टी है तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। ओ जय प्लीज डोंट से नो। ए मीना वो एक्सपर्टिंग बिल का क्या हुआ, तुमने देरी क्यों किया? हैव यू फिनिश्ड इट? ऑफिशियली किसी से बात करना है? ए डियर सॉरी सॉरी, बात ये कि अभी ऑफिस में बहुत काम है वो छोड़कर मैं बट तुम एक काम करो कि तुम पार्टी में जरूर जाओ। हाँ ओ कम ऑन जय, जानते हो सब मुझसे सवाल करते हैं शादी के बाद अब तक हनीमून क्यों नहीं गए, आखिर ऐसा क्या बड़ा काम है तुम्हारी उस बेकार एक्सपोर्ट कंपनी में? जय प्लीज कम से कम आज तो मेरी इज्जत रख लो। ओके तुम एक काम करो, तुम घर से निकलो और पार्टी में पहुंच जाओ, मैं भी वहीं आने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं नहीं आ पाता हूँ तो तुम अपने डैडी के यहीं रात रुक जाना ठीक है, कल सुबह तुम डैडी से कह देना वो अपने घर ड्रॉप कर देंगे तुम्हें। ओके जाओ यहाँ से। हेलो क्या हुआ सर? जाओ यहाँ से। Security arrangements are being made in the city in view of the Prime Minister's visit to inaugurate the Global Leadership Summit. हाँ? क्या हुआ? तुम पार्टी में नहीं गई? अगर गई होती तो मैं यहाँ कैसे खड़ी होती? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? सोचो ना शिवा अंकल को कितना बुरा लगेगा और तुम्हारे डैडी, वो भी तो वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ओ, उनके बारे में इतना सोचते हो? ए, तुम्हारे डैडी के बारे में नहीं सोचूंगा, मेरे ससुर जो है। स्टॉप योर ड्रामा जय, मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर नहीं आए। एक्चुअली क्या हुआ था अगर ये बताऊं तो ये बहुत ही बड़ी कहानी है। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये कहानी, मैं जानबूझकर वहाँ नहीं गई। मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आए ये वो कैसे समझेंगे, एक एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ही तो हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट तो नहीं हो जो मैं सबको शान से बताती भी हूं। बस 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 बस, अरे मैंने कब कहा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, मैं तो बस एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता हूं। ओके ओके देखो अब थोड़ी देर शिवा अंकल को पार्टी एंजॉय करने देते हैं और अपना झगड़ा बंद करते हैं ठीक है ना? ठीक है अब क्या प्लान है? प्लान क्या है, अभी का प्लान तो ये है कि कहीं बाहर जाएंगे और खाना खाकर आ जाएंगे। हेलो तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि आज मैंने अच्छा खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। ठीक है तो मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ फिर चलते हैं।
तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए। बस करो, निकालो इसे। ये गाने सुन के मैं बोर हो चुकी हूँ। लगता है तुम्हारा गुस्सा अभी तक गया नहीं है। अरे भाई, कह तो दिया कि मुझसे गलती हो गई, अब क्या तुम्हारे पैर पकड़ूं? अरे मुझे वो सब नहीं चाहिए, लेकिन सॉरी बोलने के और भी बहुत से तरीके होते हैं, तुम्हें नहीं पता। तो तुम ही बता दो कि वो तरीके कौन से हैं। वो सब छोड़ो, जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। तुम्हें क्या चाहिए? Anything will do. Anything? इस मेन्यू में एनीथिंग नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्या हुआ? मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ, और मेरे आने से पहले यहाँ खाना आ जाना चाहिए, समझ गए? Excuse me. Yes, sir. समझ गया ना मैंने क्या कहा? अच्छे से ना, एक मिनट इधर। वो लड़की जैसे ही यहाँ बैठे तुम्हें वो करना जो मैंने कहा। सॉरी। ओके, एज सून एज शी अराइव्स सर, डू व्हाट आई सेड। श्योर सर। ओके ओके। सर, एज यू ऑर्डर्ड। थैंक यू। यू आर वेलकम सर। विद लव, जय। Hey, Jay Mohan. Hey, what a pleasant surprise. तुम यहाँ पर कैसे? मुझे तो लगा था कि मैं कनाडा में थी, लास्ट वीक ही आई हूँ। Okay. Wow, ये सब क्या है? Candles, roses. क्या बात है जय मोहन। अब वो डिनर डेट के लिए आ रहा है। हाँ, वो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो नहीं, वो हाँ, वो थैंक यू। ओह, विद लव जय। सुनो सर, एंजॉय। वो जय मोहन, हाउ स्वीट। मुझे नहीं लगा था आप मुझे अभी भी इतना मिस करते हैं। रम्या, नहीं नहीं, एक्चुअली मैं वो जय मोहन, कम ऑन, नो 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 नो, आई कांट बिलीव दिस, नॉट लाइक दैट, आई एम सो एक्साइटेड। बस बंद कर दो, थैंक यू। ये रम्या है। हाय हाय, मैं जय मोहन की एक्स वाइफ जानती हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन भी तो इनको दो। ये है अंजलि, मेरी वाइफ। जय मोहन, यू गॉट मैरिड अगेन? जय को वापस शादी नहीं करनी चाहिए थी क्या? नहीं, मेरा मतलब था जय मोहन, यू क्यों, उसकी औकात नहीं है? सच कहूँ तो वेल यस। ए रमिया, कम ऑन। What? गलती सिर्फ मेरी ही थी, तुम्हारी नहीं थी। अगर तुम खुद को एडजस्ट कर लेती तो फिर ये अब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तुम दोनों के पास बात करने के लिए और भी बहुत सी बातें होंगी। बाय रम्या। नो अंजलि, प्लीज अपनी पुरानी बातें करके घर वापस आ जाना। अरे देखो, ये यहाँ पर कैसे आई मुझे नहीं पता। अंजलि, एंजॉय योर डिनर। देखो, आईंदा जहाँ पर मैं रहूँ वहाँ पर तुम मत आना। वियर्ड। ऑटो। ए अंजलि, प्लीज लिसन, ब्रिगेड गेटवे। ए अंजलि, इस रोड से क्यों लेके जा रहे हैं? ये शॉर्टकट रास्ता है मैडम। शिवा। हाँ बोल। जरा ना। हाँ? लगता है माला पार्टी है। एक मिनट मैडम। ड्राइवर, जल्दी वापस चलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुलाओ बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। इधर दे। ए! अरे यहाँ पुलिस नहीं आएगा, ये हमारा जगह है। ए, 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 रुक,
कोने में मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है, तुम जाओ और उसमें बैठ जाओ। जय, मेरी पत्नी का मेरे अलावा कोई पीछा करे ये मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत प्यार से उनके पास जाऊंगा और बहुत ही प्यार से उनसे अपनी पत्नी का पर्स मांगूंगा, उन्हें मारूंगा नहीं। लेकिन वो लोग इतने सारे हैं, तुम उनसे कैसे? तुम जाकर गाड़ी में बैठो और आराम से 1 से 15 तक की गिनती गिनो। अगर तब तक मैं नहीं आया तो कार लेकर चली जाना और पुलिस को जल्दी से लेकर आ जाना। Are you sure, Jay? Sure. अब तुम जाओ। Okay. के बाद किसी अकेली लड़की को रास्ते में परेशान किया तो मैं तेरी परेशानी बन जाऊंगा। जी हाँ साहब। तेरी तो जय, ये कैसे किया तुमने? क्या कहा तुमने उनसे? मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी बीवी अंजलि हो और उनके पास जो पर्स है वो मुझे वापस दे दो, क्योंकि मैं अपनी बीवी को खुश रखना चाहता हूँ। Hey, stop your drama. Hey. Jay, I'm too hungry. Me too, dear. With love. How sweet. I love you, sweetie. Love you too, Jay. Hey. प्रिया, हाय अंजलि। I'm good. How are you? Fine. तो कैसा है तुम्हारा जय? और हनीमून ट्रिप कैसा था तुम्हारा? अरे यार, वो बहुत बिजी है ना, इसलिए हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत बिजी है, इतना काम रहता है एक्सपोर्ट कंपनी में। हाँ, हमें लगता था एक्सपोर्ट कंपनी में कम काम होता है, लेकिन हम गलत सोचते थे। मेरा जय तो हमेशा इतना बिजी रहता है कि कभी कभी मैं उसकी शक्ल भी भूल जाती हूँ। मेरी लाइफ में ऐसा होता है, पर तू खुश है, यही सबसे बड़ी बात है। He's a fantastic guy. लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम है, जब वो काम से वापस आता है
तो टीवी रिमोट के बटन दबा दबा के बस चैनल चेंज करता रहता है। पर ऐसा क्यों करता है? वो पागल है ना, अपनी बीवी को देखने के बजाय घर आने के बाद सिर्फ न्यूज चैनल्स देखता रहता है। बट आई एम रियली लविंग दिस प्रिया। ये वाइफ का रोल, जय के लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धोना, आयरन करना और कभी कभी उससे फाइट करना। आई एम हैप्पी फॉर यू, बट ड्रेस वॉश करना है, कुक करना है, इसलिए घर मत बैठ जाना। कम बैक टू वर्क। सीरियसली, तुम्हारी डैड के हॉस्पिटल में वी ऑल मिस यू। इज दिस आयशा? ये आयशा नहीं है, दिस इज लैला, राणा की गर्लफ्रेंड। ओह लैला, यहाँ पर एक क्लब है, चाचा क्लब, उसमें डांस करती है और इसने एक फिल्म में आइटम डांस भी किया है, लेकिन फिल्मों में इसके बाद बनी नहीं। लैला हैड नो फ्लक एंड क्लिक। ओह आई एम सॉरी सर, लक एंड क्लिक्स। वैसे लैला कई लैंग्वेजेस जानती है सर। ओ, हमारी भाषा भी जानती है। लड़की कैसी है सर? अगर इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी कर ली तो अपनी वाइफ को पता नहीं चलने वाला यार। उठा लें क्या सर? क्यों? नहीं सर, मेरा मतलब इसे उठाकर कस्टडी में डाल दें क्या, इंटरोगेशन के लिए? अरे बेवकूफ, हम ऐसे ही किसी को उठाकर अंदर नहीं डाल सकते, पूछताछ करने के लिए। सर, उस टेरर प्लॉट और हमारे बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लू है ये लड़की, लैला। देखो जय, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वी मस्ट हैंडल इट विथ अटमोस्ट केयर, समझ गया ना? सर, हमने उस लड़की को पकड़ लिया और उसके बाद कहीं पता चला कि उस लड़की का टेरर प्लॉट से कोई संबंध नहीं है, तो ये बात मीडिया और पब्लिक में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देगी। जैसा? यस फॉर यू। ये क्या है? लंच बॉक्स। ये आपके घर से एक आदमी के हाथों आपकी वाइफ ने भिजवाया है। ओके सर, प्लीज। आज से जंक फूड को बाय बाय, अब से मैं रोज ये लंच बॉक्स भेजा करूंगी विद लॉट्स ऑफ लव। क्यों जय, शादी के बाद सारे लोग मोटे हो जाते हैं, पर बैचलर्स के साथ ऐसा नहीं है, जानते हो क्यों? सर, फॉरगेट अंजलि, फोकस ऑन लैला। एक्सक्यूज मी। यस, कौन है? लैला, फॉर यू। वाओ, मेरा फूल मुझे को लौटा रहे हो, यू स्मार्ट। विक्टर ने मुझे बताया था कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं और आप बहुत सारी भाषाएं जानती हैं, ऐसा बोला था विक्टर ने आपके बारे में। You Victor's friend? Victor's friend? No, not at all. वो मेरा दोस्त नहीं है, भाई जैसा है, वो भाई है मेरा। अब ये लीजिए। Thanks. जय मोहन। Yes, मेरा नाम। Deccan Exports? हाँ, my company's name. We are into exports. लेकिन अभी फिल्म प्रोडक्शन। We got a studio. Really? Yes, really. हिंदी, तमिल, bilingual फिल्म, देविका, फिल्म का नाम देविका, a very strong lady character, देविका, but so bad words, sex storm, expose, you know, lot of. ये बताइए, देविका का टाइटल रोल कौन कर रहा है? हम ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तो लैला, आपसे मिलने के बाद अब तो, hey, विक्टर ने मेरे बारे में कुछ बताया नहीं तुम्हें? Oh, you know Victor, वो वैसा ही है। Full of secrets, surprises. But you know, आप वाकई, you are so beautiful. You must act in films. आपको जरूर एक्टिंग करनी चाहिए। Thank you. Well, this is my address. Okay. Shubha Lavender. Yeah. वहाँ डिस्कस करेंगे मूवी के बारे में। थैंक्स लैला, सी यू। नाइस। हेलो, डेक्कन एक्सपोर्ट्स के ऑफिस में किसी के पास एक भी पेन नहीं है क्या, जो ये लिपस्टिक से लिखना पड़ा? बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरत के टाइम पर पेन भी नहीं मिलता और इजीली लिपस्टिक मिल जाती है, सब भगवान की मर्जी है। को? हाँ? किसका एड्रेस है ये? वो ले
वो हमारे क्लाइंट का है, शिपिंग लाइन का क्लाइंट है। ओहो, तो तुम्हारे क्लाइंट ने ये हार्ट क्यों बनाया है? अरे ये तो बहुत सिंपल है, हो सकता है कि वो क्लाइंट हार्ट का पेशेंट हो। व्हाट? अरे मैंने कहा कि हो सकता है, अब उस क्लाइंट से पूछकर बताता हूँ कि वो हार्ट पेशेंट है या नहीं। हेलो, गुड इवनिंग, डेकन एक्सपोर्ट्स। आई एम अंजलि स्पीकिंग। कैन आई टॉक टू मिस्टर जय प्लीज, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रीच हिम ऑन सेल। इट सीम्स जय सर लेफ्ट अर्ली टुडे। ओह ओके, थैंक यू जय। आज शाम को आने में तुम्हें देर क्यों हो गई? आज शाम को कहाँ गए थे बताओ? जू में गया था, जू। जू? ओह गॉड, सच बताओ ना जय। मैंने आज ऑफिस में फोन किया था और तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि तुम जल्दी निकल गए। दरअसल वो औरत पागल है। डेक्कन एक्सपोर्ट्स में पागलों को नौकरी पे रखते हैं क्या? अरे सर, वहाँ पर पागल नहीं है, सिर्फ हम लोग पागल हैं और हमारी शादी होने के बाद वो भी पागल हो गई है। Are you having an affair? Yes, सही कहा। किससे? Tell me, who is she? बताऊं क्या? उस लड़की का नाम है अंजलि। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा कि लेडी सर्वेंट है। कम इन। श्योर। आप बैठिए, एक मिनट मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। क्या लैला है? Hey, बहुत टाइम लगेगा क्या आपकी स्टोरी नरेशन में? या, इट डिपेंड्स। यस। इतनी हसीन खूबसूरत लड़की आपके सामने खड़ी है तो आप शांत कैसे रह सकते हैं? आप तो सब जानती है लैला, आपके जैसी सुंदर लड़की को देखकर कोई भी मर्द शांत रहेगा क्या? एक मर्द को आप कितनी तकलीफ दे रही हैं आप नहीं जानते हैं। सच कह रहे हैं। बहुत भूख लगी है। I'm hungry. I'm married. Married है तो क्या? भूख नहीं लगेगी। Anyways, tell me about Devika's character. अभी बताई तो कहानी बदल जाएगी। ए। वो तो मेरी सर्वेंट है। अगर दरवाजा नहीं भी खोलूंगी तो वो बाद में आ जाएगी। How sad. And what about the story? Story kal suno kya? Then tomorrow lunch. Okay. When you decide. Menu. Main bataungi. Okay. Then. Okay, bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Oh my god. जय, आखिर कर क्या रही है तुम्हारी लैला? सर, काट कर खा जाती मुझे, बीपी बढ़ा दिया उसने मेरा। ए, हुआ क्या ये तो बताओ। कुछ होने से पहले अच्छा हुआ कि सर्वेंट आ गया और मैं बच गया, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। ऐसी सिचुएशन में तुमने शादी की, अब इस बात का तुम्हें अफसोस हो रहा होगा? मैं अफसोस नहीं करता। नहीं नहीं, अभी नहीं तो फ्यूचर में होगा। शादी करके ये मैं कहां फंस गया? हाँ, बाद में देखा जाएगा। जय, रास्ते में हम लोग कहीं कुछ खा लेंगे। हाँ, खा लेंगे। जय, आज लंच नहीं किया तुमने? अरे रे रे, भूल गया। खाना खाना भूल गए? काम बहुत ज्यादा था इसलिए भूल गया। फ्रेश होकर खा लेता हूँ, ठीक है? ओहो, बहुत मेहनत से मैंने वो लंच बनाया था।
इसीलिए उसी को गरम करके तुम्हें खाने के लिए दूंगी। अरे तुम नहीं बताती तो भी मैं खा लेता, अब तो तुमने बता दिया ना। जाओ। लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है। अंजलि, एक वर्ड बताओ। अ प्रोसेस अगेंस्ट नेचुरल लॉ, प्रकृति के खिलाफ होने वाली बात। सेवन लेटर्स वर्ड। ओह, तो इतना क्यों सोच रहे हो? हस्बैंड। ए, चलो तुम जाओ। ओके, आई गॉट इट। इट्स मिरेकल। अद्भुत। Today, sweetie? जल्दी चलो ना ड्राइवर, उस ब्लू कार के पीछे जाना है। जल्दी चलो, फास्ट। मैडम, वो BMW है और ये ऑटो। वो हवाई जहाज की तरह भागती है और ये कछुए की तरह। कहाँ से पकड़ेंगे मैडम? ओहो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगी, तुम बस जल्दी चलो। कम ऑन, फास्ट फास्ट। ऐसी बात है, अभी इसे हेलीकॉप्टर बनाता हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइए, वो जो गाड़ी में जा रहे हैं वो आपके पति हैं क्या? क्यों मैडम, लड़कियों के मामले में थोड़े कमजोर है क्या? ए, वो नहीं, तुम हो। अब दिमाग मत खराब करो, जल्दी ऑटो चलाओ, फास्ट फास्ट। भगाता हूँ मैडम, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया की सारी पत्नियां अपने पतियों का ऐसे ही पीछा करती हैं। ये तो रोज की बात है मैडम, टेंशन नहीं लेने का। पानी। एवरीबॉडी अलर्ट, राणा ने अपनी सिक्योरिटी तोड़ दी है। कम ऑन दिस वे, फास्ट।
नो माय गॉड कृष्णा सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डेथ का रीजन रिवील नहीं होना चाहिए ओके सर ए बाहर निकल अरे मैडम चुप क्यों रही हैं? पहला यस आई एम हियर अब आप देखिएगा उस बिल्डिंग से एक लड़की बाहर निकलेगी और आपके पति के कार के पास खड़ी हो जाएगी और आपके पति उसे कार में बिठा के ले जाएंगे रोज होता है मैडम हाँ, आ गई वो अभी देखिएगा क्या मस्त है मैडम Can't find you. Hi, I am here. Oh, hi. Come. I'm coming. आप देखते रहिए हम इनका पीछा करते हुए जाएंगे देख लीजिएगा ये एक होटल में जाएंगे जहाँ पर इन्होंने रूम बुक किया होगा Idiot. जो होता है वही तो बता रहा हूँ मैडम Hi. Hello. Jay, I have a bad news. Sir? Rana has escaped. चूंकि लैला राणा से जुड़ी हुई है इसलिए राणा सीधे वहीं जाएगा शेल्टर के लिए उसने तुम्हें वहां देख लिया तो वो भाग जाएगा अच्छा होगा तुम वहां से निकल लो Now it's too late, sir. She's already here. Hey, hi. How are you? I'm good. Now shall we go for lunch? Your favorite place? Come on in. Okay. Hey, Laila! Hey, what a pleasant surprise, Victor. What happened to you? बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। Oh my God! इस कहानी में तो ट्विस्ट है। Hey, Jay! Look who's here! Your friend! Not my friend. चलो, अंदर चलो. नीचे ले जाओ नीचे हो जाओ नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी Thank you.
चलो उठाओ, ऊपर उठाओ। हाँ जल्दी जल्दी और ऊपर। वेल डन कृष्णा। सर सर, अभी तक दोनों में से किसी की बॉडी नहीं मिली है। नीचे बहुत ज्यादा कीचड़ है सर। कृष्णा एक बात सुनो सर, जब तक बॉडी नहीं मिलती डेथ कंफर्म मत करना। या वी विल टेक केयर। ओके ड्राइवर्स को कहो कि अच्छी तरह से ढूंढे। अंजलि अंजलि, मैं तुमसे क्या बोलूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ मेरे नहीं। सोचने से क्या फर्क पड़ता है, तुम एक लड़की के साथ थे और हाथ में गन भी थी। अंजलि 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 प्लीज मेरी बात सुनो। अंजलि प्लीज सॉरी। सॉरी अबाउट व्हाट? अंजलि प्लीज मत जाओ। जाऊंगी तो क्या, मुझे भी शूट कर दोगे? अंजलि प्लीज, तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन तुमने उस लड़की के हस्बैंड पर तो शूट किया, सो यू कैन शूट मी टू। प्लीज देखो, वो उसका हस्बैंड नहीं है, वो कोई और है। He started it. पहले उसने गोली चलानी शुरू की। Come on, Jay. What? Grow up. मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो बातों में बहला रहे हो। ए अंजलि, मैं एक सच। तो बताओ क्या सच है, कि तुम एक कातिल हो, गैंगस्टर हो, तुम क्या हो? तुम्हारी सच्चाई तो मैं पुलिस के पास जाकर पता कर लूंगी। अब वही सच बताएंगे। I am not a gangster. Oh God, मेरा हस्बैंड बीच सड़क पे गोली चलाने वाला गुंडा है। ये सब जाने बिना ही मैं उसकी वाइफ बन गई। सब मेरी ही गलती है। No, never. लेकिन तुम वहाँ कैसे? ओहो, तो गलती मेरी ही है। This is a free country. कोई भी कहीं भी जा सकता है। ए, बताओ मुझे, तुम वहाँ क्यों गई थी? मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। फॉलो? I was bloody spying on you. Just leave me. अंजलि, मेरे डैडी ने शायद सही कहा था। This was a mistake. Our marriage. थैंक यू मैडम। मैडम मैं पहुंचा देता हूं। इट्स ओके। क्या हुआ? She walked out on you. पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई ना? इस डिवोर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या जानते हो? अपनी जायदाद का आधा हिस्सा उसे देना पड़ता है। वो ही मेरी जायदाद है सर। गुड आफ्टरनून सर, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सर। शैल वी गो सर? ये दोनों बॉडीज कल रात में मिली हैं, फ्रॉम द रिवर बेड। फेस से हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, विक्टर राणा है या लैला। सर दोनों बॉडीज को डीएनए टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा, हम ब्लाइंडली यकीन नहीं कर सकते। राणा इज टू क्लेवर सर। यू आर राइट। सर लैला का फोन हमें कार से मिला है। देर तक पानी में रहने की वजह से डाटा लेने में तकलीफ हो रही है, बट लकीली उसका इंपॉर्टेंट कॉल रिकॉर्ड किया हुआ है सर। सर दिस इज द एडिटेड वर्जन, वी हैव रिमूव्ड ऑल अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट पोर्शन, सो कैन आई? लैला, मैं तुम्हारे बिना इस 23rd की पार्टी नहीं मनाऊंगा, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाना प्लीज। आई एम सॉरी स्वीटी, आई कांट कम ऑन 23rd. I told you na. Why not? ऐसा क्या खास काम है जो तुम ऐसे डेट बदल रही हो? I have a date on 23rd. Date? किसके साथ? With Aisha. कौन? Aisha. Aisha? Yeah. Let your imagination go wild.
लाइला आयशा डेड। सर आई थिंक देयर इज एन ऑब्वियस कनेक्शन बिटवीन लैला एंड आयशा दैट वी आर मिसिंग। लैला का फ्लैट सर्च करना पड़ेगा सर। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो। जय, अब तक कुछ मिला क्या? सर ये मिले हैं। वेरी गुड। वो ग्लैमर ड्रेस, मेकअप, वो सब बाहर दिखावे के लिए था। ये खाली होगा तो इसमें पानी डालकर उसका भी चेहरे पर इस्तेमाल किया और इसको आखिरी तक निचोड़ कर काम में लिया। लगता है उसकी जिंदगी बेकार थी। उसकी लाइफ स्टोरी, सॉरी पर्सनल स्टोरी, उसका रोज का डायरी लिखना। सर हैव अ लुक। ऑन 23rd नाइट लैला ने राणा के लिए बनाया है एक स्पेशल प्रोग्राम। उसे नहीं पहचानने वाले राणा के कॉलेज फ्रेंड्स मुंबई से मिलने के लिए यहां आ रहे हैं। उसके बाद राणा के फ्रेंड्स लैला को लेकर वहां पहुंचेंगे। ये प्रोग्राम उसकी जिंदगी बदल देगा, ऐसा भरोसा दिलाया राणा ने। सम स्पेशल इवेंट एंड शी सेज आई हैव अ डेट विथ आयशा ऑन 23rd। ऑन 23rd अनदर टेररिस्ट अटैक प्लॉट। सर। यस। हमने एक खास कॉल को इंटरसेप्ट किया सर, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। दोनों वॉइसेस बहुत ही फैमिलियर वॉइसेस हैं सर, सो वी डिड द वॉइस सैंपल मैच। इट्स रेडी सर, प्ले। सुनिए सर। हेलो, ये साला राणा कहाँ गायब हो गया? कौन सी नई बात है, ऐसे हफ्तों तक गायब रहना उसकी पुरानी आदत जो है ना। लेकिन बर्थडे पार्टी का इंतजाम तो उसी ने किया है ना। अरे क्यों फिक्र कर रहे हो मेरे भाई, राणा आए या ना आए बर्थडे तो मनाएंगे ही और केक भी कटेगा। चल ठीक है, तो मैं कैंडल लेके आता हूँ, तू मैचेस ले आ। ठीक है भाई। दिलावर एंड दारा राणा के इस मिशन में ये की प्लेयर्स हैं। इंटेंशनली ट्रेड एंड एक्सट्रीमली डेंजरस। इस फोन कॉल से ये तो पता चल रहा है दारा हमारी सिटी के आसपास ही है। बट सर वी स्टिल डोंट नो व्हाट्स द प्लान ऑफ एक्शन। 23rd प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, उस दिन क्रिकेट मैच भी है। एक दिन पहले से तीन दिनों तक इस्लामिक पीस कॉन्फ्रेंस। प्राइम मिनिस्टर विजिट के लिए ये नहीं होगा, ये मेरी सोच है। बट क्रिकेट मैच या फिर इस्लामिक पीस कॉन्फ्रेंस उनके टारगेट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस रिपोर्ट। राणा और लैला के मारे जाने के बाद दिलावर और दारा ने इस प्लान को टेक ओवर कर लिया है, ये श्योर है। सर इट डिपेंड्स एंड व्हाट देयर मिशन इज। सर अगर इन तीनों इवेंट्स में से किसी एक में भी हादसा हुआ तो पूरी दुनिया के सामने हमारे देश को शर्मिंदा होना पड़ेगा। बट दिस आयशा, हु द हेल इज शी? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, समबडी वांट्स टू मीट यू। Please wait. Chaser is coming. और मेरी बेटी के बीच में क्या प्रॉब्लम है ये बात मैं नहीं जानता और नहीं उसने मुझे बताई। बट आई एम श्योर यू ब्रोक हर हार्ट। क-
किसी को मत बताना वरना मेरी बेइज्जती होगी। आई ट्रस्ट यू। मुझसे पूछो मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं। मारने के लिए और क्या। और आज शायद गन लाना भूल गए इसलिए कार एक्सीडेंट करवाना चाहते हो। शादी के अभी थोड़ी दिन हुए अभी तक तो मैंने तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचा है। तो ये सब काम किस लिए। मुझे इम्प्रेस करने के लिए। अभी तो शुरू ही किया है। करना चाहते हो तुम यही कि तुम किसी फिल्म के स्टंट मास्टर जैसे हो। नो, आई एम अ ट्रेन्ड पर्सन, आई एम एन एजेंट। एजेंट? यस। इंश्योरेंस एजेंट या ट्रैवल एजेंट? ओह, ठीक है, तुम जरूर किसी एजेंसी के बॉस होगे। आज तुम या तो मुझे गन से शूट करने वाले हो या कार एक्सीडेंट करवाने वाले हो। इसी के लिए ट्रेनिंग लेकर आए हो क्या? मुंबई 2611। उस दिन जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो तुम्हें याद है क्या? उसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे गए थे। उस अटैक के एक साल बाद हमारी सरकार ने एक फैसला लिया टेररिस्ट से लड़ने का, और उनसे मुकाबला करने के लिए सरकार ने एक स्पेशल सेल बनाया, एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी। और उसका कोई भी एजेंट अपनी बीवी को भी ये बात नहीं बता सकता, उसे इस बात की अनुमति नहीं है। मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ ये सारी बातें हम किसी भी हालत में उजागर नहीं कर सकते, और जो लोग उस एजेंसी में काम करते हैं उन्हीं में से एक मैं हूं। That's me। तुम और तुम्हारे डैडी हमेशा मजाक उड़ाते हो ना मेरा और मेरी कंपनी डेकन एक्सपोर्ट्स का। मैं जानता हूं कि अभी भी तुम उस पर विश्वास नहीं कर रही हो। नो। Look, have a look. इसी एक्सपोर्ट कंपनी से हम अपने देश में आने वाले टेररिस्ट को खत्म करते हैं। चलो तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूं। See, monitor in terrorist activity. Phone tapping. High-tech designing. जासूसी करने के लिए ऐसा और भी कई काम है। Check the Wi-Fi. Sir, Listen, this is my boss. ये मेरे साथ काम करने वाले टीम मेंबर्स हैं। ओह, जो पत्नी छोड़कर गई थी वापस आ गई। हाय अंजलि। तो अब समझ गई ना, ये एक्सपोर्ट कंपनी नहीं है और हम दोनों नेशनल। सॉरी सर, इसे उस भाषा में समझाइए जो ये समझ पाए। ओह, ऐसी बात है। ओके ठीक है। लुक अंजलि, डेकन एक्सपोर्ट्स में हम लोग क्या ट्रेड करते हैं ये तो तुम जान गई। This is so unreal. See Anjali, यहाँ जो कुछ भी तुमने देखा है उसे बाहर किसी को बताने की तुम्हें अनुमति नहीं है। मैं कौन हूँ, हमारा काम क्या है, किसी को नहीं बताओगी, ओके? सर, ये मेरे हस्बैंड बेचारे एग्जीक्यूटिव, असल में हमारे देश के एक कमांडर हैं। ये जानकर तो किसी को भी गर्व होगा। वो सब छोड़ो, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? सॉरी जय। मी टू, सॉरी। It's okay. Love you. Come on. Hey. Now both of you.
Get out of my office. Oh, let's go. Come. Okay. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। भाग कर रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ सर। पागल हो गए हो क्या? इस एजेंसी की छोटी सी भी न्यूज अगर बाहर गई तो वायरस की तरह फैल जाएगी, इतनी भी अकल नहीं है? कौन सा वायरस? ये मजाक समझ रहे हो तुम? गोली उड़ाकर आग में झोंक दूंगा तुम्हें और तुम्हारी बीवी को। चल जा। धन्यवाद सर। या रसूल। जय, रूम में वो जो आदमी थे, वो जो तुम्हारे बॉस थे, उन्होंने तुम्हारा कॉलर पकड़ा था और गन क्यों तानी थी, मुझे सच बताया इसलिए। यस, अपने ऑफिस में लाकर अपनी बीवी को चाय तक नहीं पिलाई तुमने, मेरी कॉलर पकड़कर ये कह रहे थे वो। यू चीट, दिस इज योर ऑफिस। ये वही पागल है ना? चलो जय, सच बताना, ये लड़की पागल कब हुई थी? हमारी शादी के बाद। तुमसे शादी करने से वो पागल नहीं हुई है, मैं पागल हो गया हूँ। जय, गो। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे बॉस ने थप्पड़ भी मारा क्या? बॉस ने नहीं, तुम्हारे पिताजी ने। व्हाट? कब? मैंने डेट और टाइम नोट नहीं किया। बहुत दर्द हो रहा तो है क्या? तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हिसाब बराबर हो गया, बहुत दिनों से दामाद से बदला लेना चाहते थे। जय, डैडी के दामाद से मैं माफी मांग लूँ क्या? कैसे? इधर आओ। जय, तुमने इससे पहले कभी किसी का खून किया है क्या? यस, दुश्मनों को मारा है, लेकिन सब कुछ अपने देश के लिए किया। मैं देखती हूँ। हाय। ओह सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जय, देखो कौन आया है। सर प्लीज कम इनसाइड। तुम्हारे बॉस आए हैं। सर, I will get you something. Sure. Tea or coffee? Anything. Okay. I'll just get it. Please come, sir. Sir. मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि एक सीरियस मैटर पे तुमसे बात करनी है। I know. आप यहाँ चाय पीने तो नहीं आए हैं? बात यह है कि तुमसे मुझे सर, दिस इज अ बैड आइडिया। नो नो, दिस इज द बेस्ट बैड आइडिया। आई नीड योर हेल्प अंजलि। श्योर सर। फॉर अ फ्यू आवर्स तुम्हें हमारे लिए लैला बनना होगा। सर, अरे सुनो तो, एक ही नाइट, सिर्फ एक नाइट, ये लैला की तरह कपड़े पहनकर स्टेज में गाएगी, नाचेगी, और वहां मुंबई से जो तीन म्यूजिशियंस आने वाले हैं, वो राणा के फ्रेंड्स, वो अंजलि को लैला समझकर इसे मिलेंगे, और उसी समय हम उन्हें वहीं धर दबोचेंगे। नो, दैट्स ऑल। नो सर, बट सर, व्हाई अंजलि? सर, हमारी टीम में और भी टैलेंटेड लोग हैं सर। ये जो कर सकती है वो दूसरा और कोई नहीं कर सकता। She can sing, she can dance. हमारे पास और जितनी भी एजेंट्स हैं, उनमें से किसी के पास इतना टैलेंट नहीं है। जे, ये आदमी जो है ना, क्या बोले? सॉरी सर, मुझे गाना और नाचना आता है, ये सर कैसे जानते हैं? अरे टैलेंटेड लोगों की बातें इतनी आसानी से छुपती थोड़े ना है। थैंक यू सर। She picks up very fast. But sir, see, अंजलि कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में गाना गाती थी, डांस करती थी, अपनी सोसाइटी के फंक्शंस में भी अक्सर परफॉर्मेंस देती थी। इसके बारे में एक एक जानकारी हासिल करके, एक डॉसियर तैयार करके मैंने लैपटॉप में डाल दिया है, देखो। अब देखिए माता जी, आपकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है जो आपको इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है खुद को प्रूव करने के लिए। प्लीज बताइए कि किस एंगल से लैला और अंजलि एक दूसरे से मिलती जुलती है। अरे अभी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, वो रिजेम्बलेंस हम बना देंगे एटीट्यूड में, आफ्टर वी ट्रेन। कुछ हाथ नहीं लगेगा इफ यू ट्रेन हर। देखो, तुम मेरे हुनर के बारे में कुछ भी बोलो मैं ये करूंगा, यू नो दैट।
आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर बट आई डू केयर बिकॉज मेरी वाट लगी हुई है. इस सिटी में कभी भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है. कहां होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं है. वी हैव नो क्लू बट यू नो वन थिंग, उस राणा ने चाहे जो कुछ भी प्लान बनाया होगा वो जरूर पूरा होगा. सर इट्स डेंजरस. या आई नो इट इज डेंजरस, लेकिन ऑप्शन क्या है? सर शी इज माय वाइफ. या शी इज योर वाइफ, आई नो. लेकिन जानते हो अगर हमने ये काम पूरा नहीं किया तो क्या होगा? लोग थूकेंगे हम पर, तुम्हारी शक्ल पर थूकेंगे और मेरी अक्ल पर थूकेंगे. ये कितने शर्म की बात होगी. मेक हर ए पार्ट ऑफ योर टीम. अपने ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए, अपने देश के लिए, अंजलि को भी कुछ करने का मौका दो. लेट्स डू दिस. आई एम रेडी सर. समय तैयार हूं. अंजलि लेट्स डू इट. जय हमारे देश के लिए, मेरे जय के लिए. आई डू इट सर. वेलकम लैला, वेलकम टू डेक्कन एक्सपोर्ट्स. सर थैंक यू सर. जय, आई कांट. ऐसा डांस मैं नहीं कर सकती. क्या? देखा सर, सिर्फ एक बार लैला को देख लिया, खेल खत्म. इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. क्या कहा? कॉम्प्लेक्स मुझे, और वो भी इससे, इसके जैसा नंगा पुंगा डांस करने के लिए. हटो यहाँ से. सर मेरे जैसी खानदानी लड़की इस तरह का डांस नहीं करेगी, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है मुझे. क्या बोल रही हो? इस तरह का डांस करना कोई आसान काम नहीं है अंजलि. जय सर, इसे बदलने का सही तरीका सिर्फ तुम्हारे पास है. सर लाइट्स ऑन, एक्शन, स्टॉप इट. क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? दूर से देखो तो ऐसा लगता कि हथिनी चली आ रही है. बहुत गंदा लग रहा था. रैंप पर सुना तुमने? रैंप पर मॉडल्स कैसे चलती हैं? जैसे कि पंछी अपना पंख फैलाकर चलते हैं. नीचे नहीं देखना है. जरा रुको, मैं करके दिखाता हूं. वॉक लाइक ए कैट एंड मेक इट कूल. स्टेप इन फ्रंट एंड स्टेप इन फ्रंट. रोल योर हिप्स एंड टेक अ पोज. लैला वॉक की बात करें तो ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यू गॉट इट? शे, जब वो वॉक करती थी तो तुम्हारी नजर वहीं होती थी ना? बहुत गंदे हो. ए लैला, व्हाट नॉनसेंस. सॉरी अंजलि. मुझसे नहीं होगा. ऐसे चलो वैसे चलो, दुनिया का पहला पति होगा जो पत्नी को रैंप वॉक सिखा रहा है. मुझे कुछ नहीं सीखना. मेरी बात तो सुनो अंजलि, प्लीज. खुद तो ऐसे चल रहे थे जैसे मिलिट्री में मार्च पास कर रहे हो और मुझे सिखा रहे हो. कम ऑन, रिलैक्स. देखो सुनो, कल से मैं तुम्हें वॉक नहीं सिखाऊंगा. तुम्हें सिखाने के लिए हमने एक सही आदमी को तैयार किया. कौन होगा वो? बॉलीवुड मूवीज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में एक एक्सपर्ट खिलाड़ी, स्वामी कूल. व्हाट कूल? स्वामी कूल, ओरिजिनल नेम कुप्पू स्वामी, फ्रॉम चेन्नई. Definitely not possible. उफ, ये क्या मजाक है? इस लड़की को इस लड़की से बदलना है? No way. ये कितनी soft है और ये कितनी hot है. Impossible. ए, मुझे सिखाना है तो सिखा, वरना जा यहाँ से. हे, तुम ज्यादा बोल रही हो. हाँ, do you know who I am? Hey, idiot, go. Hey, look here, Kuppu Swami. Hey, it's Swami Cool. Okay, cool. इसे चेंज करना है और इसका मेक ओवर करना है. सिर्फ दो दिन बाकी हैं. अरे साहब, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दो दिन क्या, दो साल में भी मैं इसको इतना चेंज नहीं कर सकता. खुद को बहुत बड़ा समझते हो. सर, आप चाहे मुझे मारो, चाहे पीटो, चाहे जेल में डालो, इट्स सिंपली इम्पॉसिबल. आई कांट डू इट. इसे अंदर लॉक कर दो. इस पर जो नशा चढ़ा हुआ है, जब वो उतर जाएगा तो खुद ही मान जाएगा. कूल.
And this is strictly confidential. Understood? As you say, sir. The club is at your disposal. हाँ, जय. Sir. सब अरेंज कर दिया है मैंने. 23rd full day and night. चाचा क्लब हमारी कस्टडी में रहेगा. Total control. इसकी फोटो लेकर व्हाट्सएप पे डैडी को भेज दूं क्या और बता दूं कि तुमने गिफ्ट किया है? जरा दिखाओ. नो. व्हाई? ए लुक हियर. ये सब ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं. तुम कहीं पर भी जाओ, डेकन एक्सपोर्ट से हम तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं. Really? Guys, today is the 23rd. चाचा क्लब के सभी लोगों पर अपनी नजर होनी चाहिए. Just keep an eye. हम किसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है, We just don't know. हमें कोई भी जानकारी नहीं है. अगर आप लोगों को किसी पर भी शक होता है, You have to alert me. Now, are you ready, guys? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हमेशा की तरह आज भी क्लब में फंक्शन होगा, लेकिन आज वहाँ का एंटायर कंट्रोल हमारे हाथों में होगा सर. अंजलि की जिंदगी और मेरे इस गेम के बीच में बहुत छोटा सा फासला है, सिर्फ एक बुलेट का, बट आज के लिए वही सब कुछ है. अंजलि, अपनी लैला. हेलो जे. हे, यू आर जस्ट सुपर एंड ब्रिलियंट. बट जे, आई एम अ लिटिल नर्वस. यू आर नॉट नर्वस, यू आर लैला. ओके जे, कम ऑन. मैं क्लब के बाहर ही हूँ, डोंट वरी. आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, अब तक कोई भी नहीं आया. तुम और अगले 10 मिनट तक वेट करो. अगर फिर भी कोई नहीं आता है तो तुम क्लब से नीचे उतरकर बेसमेंट पार्किंग के H4 में आ जाना. वहां लैला की मर्सिडीज कार होगी विथ की. उसे लेकर तुम सीधा लैला के फ्लैट पर जाना. एक सेफ डिस्टेंस से मैं तुम्हें फॉलो करता रहूंगा. ओके? हाँ, ओके. जॉनी, ट्रैक अंजलिस फोन. यस सर. और मुझे बताओ. Get in the cab. Yeah, okay. Just give me a second. I'm getting late. I'll get Lala, my phone. जल्दी आना. Hey. What? क्या? नहीं, छोड़ ना यार. Just let me take my phone. Hey, Lala. वो सब छोड़ दो. Come on. We'll drop you back. Come. Okay. जल्दी. चल चल. Get in quickly. थोड़ी जगह दो, Lala.
जय सर, दे हैव गॉट अंजलि. कौन? व्हाट डू यू मीन दे हैव गॉट अंजलि? सर, आई विल गेट बैक टू यू. जय, तुम हो कहां? जय, आई एम ट्रैकिंग हर सर. ओके सर, राणा की डीएनए रिपोर्ट सर, जय सर का शक बिल्कुल ठीक है. माय गॉड. जय सर, डीएनए की रिपोर्ट्स आ गई हैं. ओके. उस दिन जो लड़की मरी थी वो दरअसल लैला ही थी. ओके. बट द अदर बॉडी वो विक्टर राणा की नहीं थी. डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई है. राणा अभी भी जिंदा है. आई न्यू इट. कम ऑन हरी अप, अंजलि लैला नहीं है. अब पहले ही मैंने आपको बताया था सर. जय, अगर उससे कुछ हो गया तो ब्लडी. जय प्लीज काम डाउन, अंजलि को कुछ नहीं होगा. हाय लैला. हेलो. हाय. अब हम कहाँ जा रहे हैं लैला? आप जानते हैं ना? अरे हमें क्या पता, आप हमें वहां लेके जाने वाली थी है ना. बताओ लैला, कहाँ जाना है बताओ. आयशा. आयशा? अरे भाई, ये आयशा आयशा कौन है? लुक, आई डोंट हैव टाइम फॉर स्टूपिड क्वेश्चंस. चुपचाप गाड़ी चलाओ तुम, नहीं तो आई एम लीविंग. बहुत अच्छी एक्टिंग करती है लैला. नाइस. चल. माउंट स्ट्रीट. सर, आयशा स्पॉटेड. जय सर, वो एक लड़की नहीं है, वो एक विला है ऑन माउंट स्ट्रीट, सिटी से 10 किलोमीटर दूर है. प्लीज चेक द डिटेल्स. वो किसका है मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए एज सून एज पॉसिबल. श्योर. विला का ओनर है रतन मित्तल. रतन मित्तल, बिजनेस टाइकून, पावर ब्रोकर, बट एन एनिमल. आज उसका 68 बर्थडे मनाने वाले थे. घर पे होंगे सिर्फ वीआईपीज, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स. लेकिन सर, यहाँ पार्टी के होने लायक माहौल नहीं है. तो फिर लास्ट मोमेंट में उन्होंने पार्टी कैंसिल की होगी. सर, इट सीम्स अंजलि इज इनसाइड. सर, आई एम गोइंग इन. लिसन जय, यू टेक केयर एंड बी केयरफुल.
रतन मित्तल। सर रतन मित्तल इज डेड। हाँ अंजलि कहाँ है पता नहीं। जय अंजलि। सर वो लोग हमसे एक स्टेप आगे चल रहे हैं, वो जानते हैं कि हम उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। वेलकम मिस्टर जयमोहन, रतन मित्तल ने अपना प्लान चेंज किया। नो बर्थडे पार्टी, नो लाइला परफॉर्मेंस, सो हमने उसको पनिश किया। हमने हमारा प्लान थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, बट वी वेर एक्सपेक्टिंग यू। ड्रॉप योर गन डाउन। आई सेड वेयर इज माय वाइफ, टेल मी। नो वेयर इज माय वाइफ। लग रही हूँ क्या? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इस मिशन में नहीं लाना चाहिए था। लेट्स गो। नो इट्स नॉट दैट इजी। व्हाई? Sir, I found Anjali. But what? Bomb? Sir, it's a acetone peroxide liquid explosive. It's simple cell phone detonator. एक फोन कॉल और सब कुछ राख हो जाएगा। जय। एक नंबर प्रोग्राम किया है और वो यहाँ किसी के पास है। जय। अब हमें क्या करना होगा? Cut the cake till we light the candles. Thoda delay. Just wait for my call. Hello.
सर जय। हाँ जय। इस नंबर पर आखिर में कॉल आया है, अभी वो नंबर किस लोकेशन पर है वो हमें ट्रैक करना है। कृष्णा सर, इस नंबर पे लास्ट कॉल कहाँ से आया था ये ट्रेस करो। यस सर, कम ऑन क्विक। ओके सर। जय, व्हाट्स गोइंग ऑन? उसका टारगेट ये नहीं है, लैला आयशा, ये सब कुछ एक दिखावा है अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को डाइवर्ट करने के लिए। मित्तल के बर्थडे पार्टी में एक बहुत ही बड़ा प्लान था बम ब्लास्ट का, जिससे यहाँ ऐसे सारे लोग मारे जाते, और उसी वक्त दूसरी जगह भी ऐसे ही कुछ करना था, यानी कि एक बहुत बड़ी तबाही लाने का प्लान तैयार किया गया था। यस, डीएक्टिवेटेड। अंजलि, तुम्हारे साथ यहाँ कितने लोग आए थे? 4 लोग थे। माय गॉड, 4 लोग थे? हाँ। तो चौथा आदमी कहाँ है? वो चलो बाहर। अरे सिक्योरिटी, मित्तल साहब घर पर है क्या? बाहर गया? अंदर है साहब। ठीक है। गुड बाय लैला, यू आर एन एक्सेलेंट परफॉर्मर। थैंक यू। ए दिलावर। ए दारा, आजा। कैसे हो भाई? हाय, सलाम। दिलावर, उस मित्तल ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उसकी ए सुन, उसको प्यार से समझा, मानता है तो ठीक, नहीं तो गोली मार दे, और उस सिक्योरिटी वाले को भी उड़ा दे। ठीक है, चल मिलते हैं। चलें। चलो चलो अंदर चलो। चल भाई। लैला। या आई एम कमिंग। कम ऑन। या सर, अंजलि इज विथ मी, शी इज सेफ। सर, अंजलि वाली गाड़ी में दिलावर भी आया था, वो उस गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में चला गया, दारा ही गाड़ी चला रहा था। दारा वहाँ किस गाड़ी से आया था जय? सर वो व्हाइट कलर की फोर्ड इको स्पोर्ट। नंबर एनी आइडिया? आई एम सॉरी सर, अंजलि से KE01XI3132। ओह सर, इस KE01XI3132। ओके, वी विल चेक। वेरी गुड स्वीटी, थैंक यू। जय वेट। सर हमने वो गाड़ी ट्रेस कर ली है, और इनकमिंग कॉल कहाँ से आई थी वो भी ट्रेस कर लिया है। उस नंबर पे कॉल आया था एयरपोर्ट के सामने वाले मोबाइल टावर से। दारा जहाँ गया है वो जगह भी लोकेट कर ली गई है, रनवे के पास वाले इंडस्ट्रियल साइट में है वो, और इस वक्त लोकल पुलिस वहाँ सर्च कर रही है। एंड वन मोर थिंग जय, लैला के साथ वाली बॉडी को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वी आर मिसिंग CISF ऑफिसर राम सिंह, एयरपोर्ट सिक्योरिटी विंग। सर आई थिंक आई नो उन लोगों का प्लान क्या है। अंजलि बाहर आओ। हियर अंजलि, जस्ट ओपन इट, इसमें एक आइकन दिखेगा, नेशनल VIP मूवमेंट ट्रैकर, क्लिक इट। ओके जय, पासवर्ड? तुम्हारा नाम अंजलि। Now? Okay, national and foreign VIP लोगों के programs, visiting plans दिखाने वाले device हैं ये. Check it. Airport hall और साथ ही club. Change of plan or rescheduling. Delays anything. लीडरशिप मीटिंग अटेंड करने के लिए जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट जा रहे थे उनकी फ्लाइट डिले हो गई है। यस, दैट इज द टारगेट, फॉर्मर US प्रेसिडेंट। व्हाट? फॉर्मर US प्रेसिडेंट? यस सर। जय, फ्लाइट विल लैंड एट 7:30 इन द मॉर्निंग। सर आप एयरपोर्ट आइए, आई एम ऑन माय वे। ओके। बट फॉर्मर प्रेसिडेंट से किसी को क्या फायदा हो सकता है? हाई प्रोफाइल कैजुअल्टी, न्यूज कवरेज, वर्ल्ड के सारे लोग उनकी हत्या को देखेंगे,
सेंसेशन, ये है उनका गेम। कम गाइस। सर अंजलि, अगर तुम नहीं होती तो ये मिशन यहां तक नहीं पहुंचता। थैंक यू डियर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कृष्णा सर, टेक हर टू द ऑफिस। ओके सर, आई विल सी यू सून। अंजलि जय, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ अंजलि, चलूंगी। प्लीज, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। जय, बट वी आर अ टीम। ओके, और इसलिए यू मस्ट ऑबे ऑर्डर। प्लीज गो विद देम, प्लीज कम ऑन। जय, गेट इन अंजलि, लव यू। जय, आई एम एट द एयरपोर्ट, तुम कहाँ हो? सर, एनी अपडेट ऑन? लोकल पुलिस ने सर्च किया, बट नो हेल्पफुल लीड्स। गाइस, तुम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ, सर्च करो एंड कीप इनफॉर्म्ड। ओके, गो। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं सर। गो चेक द एंटायर एरिया, गो फास्ट। ओके सर। Back to way. I got them. Okay?
tower, acknowledge. Bangalore tower, this is greetings 414, over. He's the maiden! नीचे रखो। President of the United States of America on board. Over. Bravo Tango Charlie. Please extend our greetings to him. Over. Roger, Tower. Bravo Tango Charlie. Descend to 22,000 feet and maintain. Over. Roger, Tower. Descending. Bravo Tango Charlie, descend to 140 and hold. Over. Roger Tower, Bravo Tango Charlie, descending to 140. Bravo Tango Charlie, clear to 120 and hold. This is HAL Bengaluru Tower. You're now cleared for landing. Runway 12. Welcome to India. Thank you, Tower. You are now
दिलावर, मैं इसको संभालता हूँ, तू जाओ मिशन पूरा कर। Bravo Tango Charlie, be confirmed operational. Acknowledge. Tower, Bravo Tango Charlie, lockdown to beacon tower. Bravo Tango Charlie, 80 seconds to touchdown. Over. Bravo Tango Charlie, cleared for final descent. Acknowledge. Roger Tower. Bravo Tango Charlie making final descent. Over. से कुछ नहीं होगा। अगर मैं ये मिशन पूरा नहीं कर सका तो एयरपोर्ट के अंदर कोई और ये मिशन कंप्लीट करेगा। कौन? राणा? राणा? जय, आई एम एट द एयरपोर्ट, तुम कहाँ हो? सर, एनी अपडेट फ्रॉम द कार? लोकल पुलिस ने सर्च किया बट नो हेल्पफुल लीड्स। गाइस, तुम लोग उस इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ और हर जगह तलाशी लो। ओके, एक मिनट जय। सर, लैला के साथ जो दूसरी बॉडी मिली वो दरअसल एक सीआई सब ऑफिसर की थी। वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काम करता था और उसका नाम था राम सिंह। गॉड, सर, आई थिंक राणा इज हियर। Gentlemen, this is the HAL Airport Control. We regret to announce the delay in the arrival of incoming flight POTUS X1 carrying the ex-president of the United States of America by approximately 2 hours and 30 minutes. You will be kept posted of further updates. Thank you. Mera shak sahi nikla. Goodbye, Rana. Mujhe marne se kuch nahi hoga. Main nahi to koi aur ye mission pura karega. That's my problem. You go to hell. Jay. Sir, one down. Two to go. And then, there were none. सर, एयरक्राफ्ट सेफली लैंड हो गया। मिशन हैज कंप्लीटेड एंड हैप्पी बर्थडे सर। सेम टू यू डियर। हम दोनों साथ मिलकर बर्थडे मनाएंगे, वो भी आती होगी। सो गया था। Are you okay? मैंने एक सपना देखा लैला। लैला? वो लैला नहीं, मेरी वाइफ लैला।
अंजलि आई लव यू। अंजलि, अंजलि, इट्स योर फोन। क्या कर रहे हो? ठीक है। हेलो, तुमने क्यों उठाया जय? अंजलि कहाँ है? शी इज स्लीपिंग। आज अंजलि के फोन पे कॉल क्यों किया? कुछ नहीं, अंजलि को एक नए मिशन के लिए। व्हाट्सअप? टकला कहीं का। कौन है जय? पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर था।